बॉलीवुड के फेमस अभिनेता शशि कपूर का निधन 79 साल की उम्र में मुंबई में हो गया। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांसें ली। 18 मार्च 1938 को पृथ्वीराज कपूर के घर में जन्मे शशि कपूर ने बतौर बाल कलाकार काम शुरू किया था। 1961 में वे फिल्म धर्मपुत्र से बतौर हीरो बड़े पर्दे पर आए थे। फिल्म चोरी मेरा काम, फांसी, शंकर दादा, दीवार, त्रिशूल, मुकद्दर, पाखंडी, कभी कभी और जब जब फूल खिले जैसी करीब 116 फिल्मों में अभिनय किया था, जिसमें 61 फिल्मों में शशि कपूर बतौर हीरो पर्दे पर आए और करीब 55 मल्टी स्टार फिल्मों के हिस्सा बने थे। अमिताभ बच्चन के साथ इनकी जोड़ी खूब सराही गई। फिल्म इंडस्ट्री में शशि कपूर को कई पुरस्कार मिले। 2011 में भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। शशि कपूर हिंदी फिल्मों में लोकप्रिय कपूर परिवार के सदस्य थे। साल 2015 में उनको 2014 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस तरह से वे अपने पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर के बाद यह सम्मान पाने वाले कपूर परिवार के तीसरे सदस्य बने थे।